हेलो गाइस, आज मैं रिव्यू करूंगा स्यूज रोस्टिक जी को। तो चलिए शुरू कर दें। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, जरूर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सपोर्ट करने के लिए। एंड वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो फाइनली मुझे हो चुके हैं 8 महीने इस लैपटॉप को यूज़ करते हुए। तो इस वीडियो के अंदर मैं टोटल 10 के टॉपिक कवर करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी की, फिर बात करेंगे डिस्प्ले की, आगे बात करेंगे स्पीकर्स की, फिर कीबोर्ड की, फिर टच पैड की, फिर बैटरी बैकअप की, फिर बात करेंगे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की, फिर इसके थर्मल्स की बात करेंगे, फिर कितना अपग्रेड पॉसिबल है इसके लैपटॉप के अंदर वो बात करेंगे, फिर लास्ट में बात करेंगे इस लैपटॉप की कौन सी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक की है एंड जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है वो भी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया है। लेकिन जो इसका बैक पैनल है, तो ये इसका जो बैक पैनल है अगर हम उससे कंपेयर करते हैं बाकी प्लास्टिक बॉडी से, ये वाली प्लास्टिक से और इसकी ये वाली प्लास्टिक से, तो ये प्लास्टिक तो बहुत देखने में सॉलिड लगते हैं लेकिन अगर बैक पैनल को कंपेयर करें तो ये थोड़ा डिसेंट लगता है, मतलब उसके मुकाबले में ये थोड़ा कमज़ोर लगता है। तो आगे बात करते हैं इस लैपटॉप के डिस्प्ले की। तो मेरे पास जो वेरिएंट है वो है 60Hz वाला i5 वाला वेरिएंट। जो i7 वाला वेरिएंट है इसके अंदर आपको 120Hz की डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो मेरे वाले वेरिएंट में 60Hz की IPS डिस्प्ले है। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी की बात करो तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है जो इस बजट में मिलती है। तो प्योर IPS पैनल है ये। एंड इसकी ब्राइटनेस की बात करो तो 250 nits की इसकी ब्राइटनेस है। तो इस बजट में इतनी ब्राइटनेस देखने को मिलती है हमें सभी लैपटॉप में। तो आगे बात करते हैं इस लैपटॉप के स्पीकर्स की। जब मैंने शुरुआत में ये लैपटॉप नया नया खरीदा था तब इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी कि इसके स्पीकर से क्रैकरिंग की साउंड आती थी, लेकिन वो बायस अपडेट करते साथ ही ठीक हो गई थी। तो अब इसके स्पीकर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके स्पीकर की क्वालिटी की बात करूं तो स्पीकर इसके लाउड भी हैं एंड हल्का हमें बेस इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। तो 2019 वाला मैंने प्रेडेटर भी यूज़ किया था तो उससे बेटर इसके स्पीकर लगते हैं मुझे रोक के। तो एक बार आपको, तो अब मैं आपको इसका एक साउंड का सैंपल सुनाता हूँ अपनी वीडियो का ही। हेलो गाइस, टाइम में गेम प्ले करूंगा बैटलफील्ड 5 का इन ऑल सेटिंग्स एस्यूज रॉस्टिक जी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, जिन्होंने अपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को सपोर्ट करने के लिए, और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आगे बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड इसके अंदर आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, बट फुल साइज वाला नहीं है कीबोर्ड। एंड रिस्पांस टाइम बहुत अच्छा है कीबोर्ड का। एंड अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो आपको मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप अलग से एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज़ करें ताकि इसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कीबोर्ड की रहे। एंड तो आगे बात करते हैं इस लैपटॉप की टच पैड की। तो मुझे पर्सनली इसका टच पैड बहुत ही पसंद है क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं राइट लेफ्ट के। तो जितने भी लैपटॉप मैंने आज तक यूज़ किए हैं सबसे बेस्ट टच पैड इसी का मुझे लगा है। एंड रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत अच्छा है इसके टच पैड का। तो जब मैं प्रेडेटर यूज़ करता था उसके अंदर टच पैड जो था वो पूरा ही था, मतलब डेडिकेटेड उसके अंदर बटन नहीं दिए गए थे, तो उसका मैं हमेशा माउस यूज़ करता था। लेकिन इस लैपटॉप में कभी कभी इसका टच पैड यूज़ भी कर लेता हूँ क्योंकि इसका मज़ा आता है यूज़ करते समय। तो आगे बात करते हैं इस लैपटॉप की बैटरी बैकअप की। तो नॉर्मल यूज़ पे इसका बैकअप मिल जाता है 3 से 4 घंटे के बीच में। तो आगे बात करते हैं इस लैपटॉप की गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो वो तो आपको पता लग गई होगी इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कैसी है क्योंकि मैंने बहुत सारे इसकी गेमिंग रिव्यूज़ बना चुका हूँ। अगर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं गेमिंग रिव्यूज़। अगर आप इसका i7 वेरिएंट लेते हैं तो आपको थोड़े बहुत FPS ज़्यादा भी मिल सकते हैं अगर गेम आपकी कोर डिमांडिंग वाली है। तो आगे बात करते हैं इसके थर्मल्स की। तो थर्मल्स का भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा मेरे गेमिंग रिव्यूज़ देख के, लेकिन मैं कुछ कहना चाहूँगा इसके ऊपर भी। मैंने ये लैपटॉप लिया था गर्मियों में, तो उस टाइम इसके टेम्परेचर जितने थे एंड अब की गर्मी में उतने टेम्परेचर मैंने देखने को मिले हैं। टेम्परेचर इसके अंदर इंक्रीज नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। ये सब कमाल है एंटी डस्ट कूलिंग सिस्टम का, क्योंकि इसके अंदर जो डस्ट जाती है वो साथ के साथ ही बाहर निकल जाती है। इसका ऐसे फैन डिज़ाइन किए गए हैं। तो मेरे ओपिनियन में जितने भी 1650 i5 वाले लैपटॉप हैं तो उसमें से सबसे बेस्ट थर्मल इसी के हैं मेरे ओपिनियन में। तो आगे बात करते हैं इसके अंदर अपग्रेड कितना पॉसिबल है। इसके अंदर आप तो SSD भी अपग्रेड कर सकते हैं रिप्लेस करके, मतलब पुरानी वाली निकाल के नई डाल सकते हैं। 256 GB की मेरी है तो आप 1 TB तक भी लगा सकते हैं। एंड इसके अंदर आप हार्ड डिस्क भी निकाल के वो भी अपग्रेड कर सकते हैं। लैपटॉप वाली हार्ड डिस्क अलग से आती है 2.5 इंच वाली, तो आप इसके अंदर वो वाली लगा सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क भी रिप्लेस कर सकते हैं आप, SSD भी कर सकते हैं। एंड रैम के इसके अंदर आपको 2 स्लॉट देखने को मिलते हैं। 8 GB पहले से रैम है तो 8 GB आप और लगा के इसे ड्यूल चैनल और 16 GB बना सकते हैं। तो इस लैपटॉप के मुझे 3 कॉन्स लगे हैं तो वो मैं आपको मैं बताता हूँ। फर्स्ट तो है इसका, इसके अंदर आपको फुल साइज़ कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता। एंड सेकंड जो है इसके अंदर आपको टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलता। एंड थर्ड जो है वो है वेबकैम देखने को आपको नहीं मिलता। तो अगर आपके लिए ये 3 चीज़ें जरूरी हैं तो आप ये लैपटॉप फिर ना लेना, आप फिर लिनोवो Wi-Fi 40 की तरफ जा सकते हैं।
तो यही था मेरा आज का इस लैपटॉप के ऊपर फुल एंड फाइनल रिव्यू। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।